हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि अरिहंत के बुक से है और इंग्लिश मीडियम से है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, एंड जहाँ कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है और टीचमेंट का भी एक लिंक दिया गया है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। एंड पहला क्वेश्चन है वो है, अ ट्रेन रन्स एट द रेट ऑफ 120 किलोमीटर पर सेकेंड, द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस प्रिंट किया है, ये मिस प्रिंट है, ये सेकेंड नहीं होगा, आवर होगा। और स्पीड जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, एंड इसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो आपको याद होगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे हम, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा 6 से, और ये 3 टाइम्स में, तो आंसर होगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। इसे आप 33.1/3 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है वो है, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है मीटर में है एंड टाइम सेकेंड में है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस कितना हो गया 200 मीटर, एंड टाइम हो गया 24 सेकेंड। तो ये 8 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो स्पीड क्या हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, स्पीड क्या है ना, मीटर पर सेकेंड में है, एंड हमें पता क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये 3 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, एंड ये 5 से 25 5 टाइम्स में कट जाएगा, एंड आंसर हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है वो है, अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमें उसका स्पीड पता करना है, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 600 मीटर। ओके, 600 मीटर, एंड टाइम क्या है, 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम पहले क्या करेंगे ना, सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएगा। ओके, तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 600/300, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36/5 किलोमीटर पर आवर, इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 7.2 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपका हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, इफ़ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाई द रेलवे लाइन, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। तो लेंथ कितना हो गया ट्रेन का, लेंथ हो गया 125 मीटर, एंड टाइम कितना लगा है, 30 सेकेंड। तो स्पीड कितना होगा ट्रेन का, लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि लेंथ है, एंड ये हो गया टाइम, लेंथ कितना है 125 मीटर, एंड टाइम कितना है 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा, जब आप 5 से कटेंगे तो 6 टाइम्स में, एंड ये 25 टाइम्स में, 25/6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपका आंसर देखिए ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको इस स्पीड को है ना, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। एंड मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 6 से ये 3 टाइम्स में कटेगा, एंड 5 से ये 25 5 टाइम्स में कटेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर
पर आवर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन वो है, अ मैन राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 5 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो स्पीड क्या है, स्पीड आपको दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम क्या है 5 मिनट। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका है ना टाइम का यूनिट क्या है आवर है एंड यहाँ पे मिनट है। तो हमें जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारे यूनिट होता है ना वो एक ही होना चाहिए, तो इस मिनट को हम आवर में चेंज कर लेंगे। तो 5 मिनट को आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा 1 टाइम्स में एंड ये 12 टाइम्स में 1/12 आवर हो जाएगा। ओके, स्पीड आपको दे दिया गया है 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दे दिया गया 1/12 आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 1/12 आवर। 3 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा एंड ये 4 टाइम्स में 5/4 या फिर इसे 1 पूर्णांक 1/4 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है वो है, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टू पास अ 132 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन हाउ मैनी टाइम्स। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 110 मीटर है और उसका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, उसे 132 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा एंड ये समय आपका सेकंड में दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ना जो ट्रेन की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मीटर में है एंड आंसर आपको सेकंड में पूछ रहा है, लेकिन जब आपका स्पीड है वो किलोमीटर और आवर में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ओके, स्पीड क्या है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा एंड ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो स्पीड आपका क्या हो गया, अब स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ जो ट्रेन का लंबाई है वो प्लस जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है वो प्लेटफॉर्म एंड जो ट्रेन का स्पीड है अपॉन में वो स्पीड। ओके, तो ट्रेन का लेंथ कितना है 110 मीटर एंड प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 132 मीटर एंड स्पीड कितना है 20, ये हो जाएगा 242 मीटर एंड ये 20 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 12.1 यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 1 मिनट ये यहाँ मीटर पर सेकेंड है। ओके, ये आपका 12.1 सेकेंड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 12.1 सेकेंड। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन वो है, इफ़ अ मैन कवर्स 10.5 किलोमीटर इन 3 आवर द डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन 5 आवर। तो 10.5 को किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 50 + 1 51/5 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर क्या हो गया 51/5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर क्या हो जाएगा 51/5 × 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में कम डिस्टेंस तय करेगा एंड कम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर। एंड 5 घंटे में क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा एंड ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5, इस 5 से ये 5 कट जाएगा एंड इस 3 से ये 51 कट जाएगा 17 टाइम्स में एंड आंसर हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर, मतलब 5 घंटे में 17 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एट्थ नंबर क्वेश्चन वो है, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इफ़ इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। तो यहाँ पे देखिए टाइम क्या है आपका आवर में है एंड यहाँ पे मिनट में है, तो और यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस है मीटर में है एंड यहाँ पे किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 मिनट है उसको हम सेकंड में
चेंज कर लेते हैं, ये 60 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ये टाइम आपका हो गया, टाइम हो गया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। स्पीड क्या है आपका, स्पीड है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम स्पीड को क्या करते हैं ना, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। एंड मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 72 को 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 टाइम्स में ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया 60 सेकंड। तो फार्मूला क्या होता है इसका, टाइम का, टाइम का फार्मूला होता है टनल का लेंथ एंड प्लस ट्रेन का लेंथ अपॉन जो ट्रेन का स्पीड है वो स्पीड। तो टाइम कितना है यहाँ पे, 60 सेकेंड लगा क्रॉस करने में, एंड टनल का लेंथ नहीं पता है तो टनल का लेंथ हम लिख लेंगे ऐसे ही, टनल लेंथ। एंड ट्रेन का लेंथ कितना है, 700 मीटर, एंड स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। जब 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, एंड ये टनल का लेंथ प्लस 700, एंड जब 700 को इस साइड लाएंगे तो टनल का लेंथ कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 700। तो 1200 माइनस 700 कितना हो जाएगा, 500 मीटर। मतलब टनल का लेंथ कितना है, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। 9th नंबर क्वेश्चन है, वो है अ कार डज अ जर्नी इन 10 आवर, द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 24 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार। एक कार है मान लीजिए, वो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक, एंड ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है हमें पता करना है। तो हम मान लेते हैं ये कितना है, 1 किलोमीटर। ओके, बोला गया है जो आधा जर्नी है ना, हाफ डिस्टेंस, मतलब 1/2 किलोमीटर, वो जाता है 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड जो 1/2 बाकी जो बच गया वो जाता है 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसे हम मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं ए से ओ में कितना टाइम लगेगा, ए से ओ में टाइम लगेगा, इसको लगेगा डिस्टेंस कितना है 1/2 किलोमीटर एंड स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 1/42 आवर। एंड ओ से बी टाइम कितना लगेगा, ओ से बी टाइम लगेगा 1/2 डिस्टेंस है एंड स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 1/48 आवर। एंड जब इस दोनों टाइम को हम जोड़ देंगे, इस टाइम को एंड इस टाइम को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 आवर। तो 1/42 प्लस 1/48, ये हो जाएगा आपका 10, एंड ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो 42 एंड 48 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 336 एंड ये आपका आएगा 8 टाइम्स में लगेगा, एंड यहाँ पे 48 से ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये होगा 10, ये आपका हो जाएगा 8x प्लस 7x हो जाएगा 15x अपॉन 360 इक्वल टू 10। एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 336/15, 5 से ये 2 टाइम्स में एंड ये 3 टाइम्स में, एंड इस 3 से ये 112 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 224 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन वो है, सुनीता रीचेज द कोचिंग इन 25 मिनट विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, सी वॉन्ट टू रीच स्कूल 5 मिनट लेटर, देन हर स्पीड शुड बी। तो यहाँ पे सुनीता 25 मिनट में अपने स्कूल पहुँच जाती है या कोचिंग 14 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, और अगर वो 5 मिनट लेट से पहुँचना चाहती है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले 25 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स में, एंड ये 5 से 12 टाइम्स में, 5/12 आवर, ये टाइम हो गया इसका। ओके, एंड एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है स्कूल कोचिंग का उसका,
स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 14 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 5/12 आवर। दो से ये 7 टाइम्स में कटेगा एंड ये 6 टाइम्स में, ये 35/6 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब सुनीता चाहती है कि वो 5 मिनट लेट से पहुँचे, तो पहले 25 मिनट में पहुँचती थी, अब चाहती है 30 मिनट में पहुँचे, तो अब कितना टाइम लगना चाहिए उसको 25 मिनट प्लस 5 मिनट लेट से, तो मतलब 30 मिनट, एंड 30 मिनट को हम आवर में चेंज कर लेंगे तो ये 30/60 ये हो जाएगा 1 टाइम्स में 30 से एंड ये 2 टाइम्स से 1/2 आवर में पहुँचना चाहती है, एंड डिस्टेंस ये है एंड टाइम ये है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हो जाएगा इस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 35/6 किलोमीटर एंड टाइम है, टाइम है 1/2 आवर, तो ये हो जाएगा 35 × 2/6, 2 से ये 3 टाइम्स में कटेगा और ये बचेगा आपका 35/3, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 11.67 किलोमीटर पर आवर इसका जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा वो हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 11th नंबर क्वेश्चन वो है, अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन 90 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन मीटर पर सेकेंड। तो पहले का 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आगे का 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड देन 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है एंड फिर यहाँ से यहाँ जाता है, ओके। इसे ए मान लेता हूँ मैं, इसे बी, इसे सी एंड इसे डी। ये कितना है, ये है 50 किलोमीटर, ये हो गया 40 किलोमीटर एंड ये हो गया 90 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया इसके बीच का, ये बी से सी के बीच का डिस्टेंस हो गया एंड ये ए से बी का डिस्टेंस हो गया, ओके। एंड इस ए से बी के बीच कितना स्पीड था इसका 25 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना था 25 किलोमीटर पर आवर एंड बी से सी के बीच स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर एंड सी से ए के बीच स्पीड कितना था 15 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा उसे, ए से बी जाने में लगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 50/25, ये हो गया 2 आवर लगा एंड बी से सी जाने में कितना टाइम लगा 40/20, ये भी इसको 2 आवर लगा एंड सी से डी जाने में कितना टाइम लगा, ये हो जाएगा 90/15, ये हो जाएगा 6 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको ए से लेकर डी तक जाने में, टोटल टाइम हो गया 2 आवर + 2 आवर + 6 आवर, ये हो गया 10 आवर एंड डिस्टेंस हो गया टोटल, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना डिस्टेंस मिल जाएगा हमें 180 किलोमीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस पता चल गया, टोटल टाइम पता चल गया, तो एवरेज स्पीड पता कर लेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 180/10, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 18 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया, लेकिन आंसर आपको क्या चाहिए मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12th नंबर क्वेश्चन वो है, अ कार इज अहेड ऑफ अ स्कूटर बाय 30 किलोमीटर, कार गोज एट द रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्कूटर गोज एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द स्कूटर ओवरटेक द कार। एक स्कूटर है वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से एंड एक कार है उसके आगे वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है एंड इसके बीच का दूरी कितना है 30 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि ये स्कूटर कब इस कार से आगे हो जाएगा,
स्कूटर इस कार से कब आगे हो जाएगा, तो ये टाइम जो लगेगा वो क्या होगा, इनके बीच का जो दूरी है वो डिस्टेंस कितना होगा, 30 किलोमीटर, एंड स्कूटर का जो स्पीड है वो, एंड उसमें से माइनस कर देंगे हम कार का स्पीड, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर में से हम माइनस करेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, एंड ये 30 किलोमीटर अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर, ये लग जाएगा आपका 3 आवर लगेगा जब स्कूटर इस कार से आगे निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 13th नंबर क्वेश्चन वो है, अ ट्रेन पासिस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। तो एक ट्रेन है, उसका लंबाई दिया है एंड स्पीड दिया है, ओके। तो मैं लेंथ मान लेता हूँ, लेंथ मान लेता हूँ ट्रेन का एल हो गया, एंड स्पीड मान लेता हूँ एक्स हो गया, ओके। एक ब्रिज है 800 मीटर का, इसको पार करने में से कितना लगता है 100 सेकेंड, एंड एक और ब्रिज है वो है 400 मीटर का, एंड इसे पार करने में कितना लगता है 60 सेकेंड, ओके। तो इस केस में टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, जो ट्रेन का लेंथ होगा वो प्लस ब्रिज का लेंथ, ट्रेन का लेंथ कितना है एल, एंड ब्रिज का लेंथ कितना है 800, एंड स्पीड कितना है एक्स। इस केस में टाइम कितना होगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा, जो ट्रेन का लेंथ है एल और जो ब्रिज का लेंथ है 400, एंड स्पीड क्या है एक्स, ओके। यहाँ पे टाइम कितना लगा है 100 सेकेंड, ओके, एंड ये एल प्लस 800 अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे क्या है 60 सेकेंड लगा है एल प्लस 400 अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, एल प्लस 800 अपॉन 100, एंड यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल प्लस 400 अपॉन 60। अब ये एक्स क्या है, ट्रेन का स्पीड है, एक ही ट्रेन है और इसका स्पीड है, और यहाँ पे ट्रेन का स्पीड ये दिया है, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड ये दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम दोनों वैल्यू को क्या करेंगे ना, बराबर कर देंगे 800 अपॉन 100, एंड ये एल प्लस 400 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे इसको इससे, तो 60 इंटू एल प्लस 800, एंड ये 100 इंटू एल प्लस 400, ये हो जाएगा आपका 60L प्लस 48,000, एंड ये 100L प्लस 40,000। आप इस 60L को इस साइड ले आएंगे एंड इस 40,000 को इस साइड ले आएंगे, तो 48,000 में से जब आपका 40,000 जाएगा एंड 100L में से 60L जाएगा, ये बचा आपका 8,000, एंड ये 40L, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 8,000 अपॉन 40, इस 0 से 0 कट जाएगा, एंड 800 को 4 से ये 200 टाइम्स में कट जाएगा, तो ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। 14th नंबर क्वेश्चन है वो है, टू रनर्स कवर द सेम डिस्टेंस एट द रेस रेट ऑफ 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वन टेक्स 16 मिनट लॉन्गर देन द अदर इज। तो डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर, पहले वाला का स्पीड क्या है, फर्स्ट स्पीड कितना है, फर्स्ट रनर का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इसके द्वारा कितना लगेगा, फर्स्ट रनर के द्वारा टाइम लगेगा एक्स बट्टा 15 आवर। सेकेंड का स्पीड क्या है, ये है 16 किलोमीटर पर आवर, एंड इसे टाइम कितना लगेगा, इसे टाइम लगेगा एक्स अपॉन 16 आवर। यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन 15 आवर लग रहा है एंड यहाँ पे एक्स अपॉन 16 आवर, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मिनट में दिया गया है, तो आप इसे पहले मिनट में चेंज कर लीजिए, एंड मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 टाइम्स में ये हो गया आपका 4x मिनट, एंड जब आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 4 से ये 4 टाइम्स में, ये 15 टाइम्स में 15x अपॉन 4 मिनट,
एंड जो डिफरेंस है वो आपका 16 मिनट है। तो 4x माइनस 15x अपॉन 4, ये हो गया 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16x माइनस 15x अपॉन 4 बराबर 16। एंड इसे सॉल्व कर लीजिए, ये x अपॉन 4 इक्वल टू 16, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 × 4, डेट इज़ गोइंग टू बी 64 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15th नंबर क्वेश्चन वो है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो इसका एक्चुअल स्पीड अगर क्या है, अगर स्टॉपेज पे नहीं रुकता है तो 54 किलोमीटर पर आवर, एंड अगर स्टॉपेज पे रुकता है तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डिफरेंस कितना हो जाएगा, स्पीड डिफरेंस हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर में से 45 किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे तो 9 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल स्पीड क्या है इसका विदाउट स्टॉपेज का, 54 किलोमीटर पर आवर। तो कितना फ्रैक्शन इसका लॉस्ट हो जाता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन लॉस्ट या डिलेड, जो लेट होता है फ्रैक्शन डिलेड कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर जो डिफरेंस है उसका पर आवर वो, एंड एक्चुअल में कितना था विदाउट स्टॉपेज का 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 1/6 फ्रैक्शन इसका का डिले हो जाता है, 9 से ये 1 टाइम्स में एंड ये 6 टाइम्स में, तो 1/6 फ्रैक्शन ऑफ द टाइम है ना डिलेड हो जाता है। तो 1 आवर का 1/6 ऑफ 1 आवर डिले होता है, तो इतना टाइम लॉस होता है। तो 1/6 × 1 आवर करेंगे, या 1 आवर को 60 मिनट हम लिख देते हैं, 60 मिनट यहाँ पे मिनट में दिया गया है तो मिनट में हम कन्वर्ट कर देंगे, एंड ये 10 से कट जाएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा वो, एंड ये हो जाएगा आपका 10 मिनट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 16th नंबर क्वेश्चन है, टू पर्सन्स आर मूविंग इन द डायरेक्शंस अपोजिट टू इच अदर, द स्पीड्स ऑफ द बोथ पर्सन्स आर 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू पर्सन्स इन रेस्पेक्ट टू इच अदर। तो एक पर्सन मान लीजिए ए है, वो इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एंड इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। दूसरा पर्सन है बी, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, एंड इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं नेगेटिव। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ, अगर ए रिलेटिव टू बी हो गया, ए के रिलेटिव में बी का स्पीड क्या है, तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ ए क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर माइनस, एंड ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है ना वो नेगेटिव में होगा, तो -3 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, एंड ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन वो है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासिस अ पोल इन 24 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है किसी पोल को पार करने में 24 सेकेंड का टाइम लगाता है, जिसका लेंथ है 240 मीटर। तो स्पीड क्या हो गया इसका, स्पीड हो गया ट्रेन का 240 मीटर अपॉन 24 सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड है ये, 10 टाइम्स में कट जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जो 650 मीटर लंबा है, और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, ट्रेन का लेंथ कितना हो गया 240 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 650 मीटर अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 890 मीटर, और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कट जाएगा, 89 सेकेंड लगेगा इस रेलवे को, ट्रेन को इस रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो आंसर हो जाएगा आपका 89 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। 18th नंबर क्वेश्चन वो है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स पी एंड क्यू, पी हो गया एंड क्यू हो गया, पी एंड क्यू इसके बीच का दूरी कितना है 240 किलोमीटर। अ मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट फ्रॉम पी टुवार्ड्स क्यू एट 8 PM, 8 PM पे स्टार्ट करता है,
एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इधर जा रहा है। एट द सेम टाइम अनदर मोटरसाइकिल राइडर स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स पी, 8 PM में ये भी स्टार्ट करता है एंड ये इधर जाता है 50 किलोमीटर पर आवर से। एट व्हाट टाइम विल दे मीट, तो ये एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इस दोनों को मिलने में, दोनों के बीच का दूरी 240 किलोमीटर एंड दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो जो इनका स्पीड है वो जुड़ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। हमने एक प्रॉब्लम देखा था जब दोनों, एक स्कूटर और एक कार था लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहा था तो हमने स्पीड को माइनस कर दिया था, लेकिन ये जब अपोजिट दिशा में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो उसका स्पीड होता है वो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर एंड ये 90 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कट जाएगा एंड 3 से 3 टाइम्स में एंड ये 8 टाइम्स में, ये 8/3 आवर। तो टाइम को हम आवर को क्या करेंगे ना, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2/3 आवर हो जाएगा एंड ये 2 आवर प्लस 2/3 आवर। इस 2/3 आवर को हम मिनट में सेकेंड कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 आवर प्लस 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ये 20 टाइम्स में, इसे लगेगा 2 आवर 40 मिनट्स। तो 8 बजे चलना स्टार्ट किया था एंड 2 घंटा 40 मिनट लगा, मतलब ये 10:40 PM पे एक दूसरे के से मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 19th नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसका आंसर भी किताब में गलत दे रखा है, मैं इसका सही आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अ बस टेक्स लेस 10 आवर्स लेस जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर्स। द स्पीड ऑफ द कार एंड द बस आर गिवन बाई रेस्पेक्टिवली। एक कार है वो एक बस से 25 किलोमीटर तेजी से चल रहा है और 500 किलोमीटर का दूरी तय करने में ये है ना बस से 10 घंटा कम लेता है, तो बस का स्पीड मैं मान लेता हूँ, बस स्पीड एक्स मान लेता हूँ, तो कार का स्पीड क्या है, कार का स्पीड इससे 25 किलोमीटर ज़्यादा है, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका 1 किलोमीटर पर आवर। अब बस को 500 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगता है, वो लगेगा बस को टाइम लगता है, टाइम बाई बस कितना लगेगा, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, टाइम टेकन बाई बस, टेकन बाई बस ये हो गया। और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस 500 किलोमीटर दे रखा है, 500 किलोमीटर, तो 500/1 आवर बस को इतना टाइम लगता है एंड टाइम टेकन बाई कार, डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर एंड कार का स्पीड क्या है 1+25 इतना आवर। तो बस का स्पीड कम है मतलब बस को ज़्यादा टाइम लग रहा है, कार को कम टाइम लग रहा है, कितना कम टाइम लग रहा है, तो जब हम बस के टाइम से कार का टाइम माइनस करेंगे तो 10 घंटा बचेगा, तो 500/x − 500/x+25 तो ये आपका आंसर आना चाहिए 10 घंटा। ओके, मतलब जो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम बस को लग रहा है उससे 10 घंटा कम टाइम कार को लग रहा है एंड इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 × 1+25। ओके, एंड ये आगे जाएगा आपका 500 से ये 1+25 मल्टीप्लाई होगा एंड माइनस में 500 × x होगा एंड ये 10 आएगा। मैं इसी चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 500 × x + 500 × 25 −500 × x और ये 10x × x+25, 500x से ये 500x कट जाएगा, ये बचेगा आपका 500 × 25 और इधर बचेगा आपका 10x² + 250x, इस 0 से कट जाएगा, ये बचा आपका 1250
और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x, या आप यहीं पे इसको कट कर सकते थे एंड इसे मैं रीअरेंज कर लूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x एंड ये बचेगा माइनस 1250। 25x को हम 50x माइनस 25x भी लिख सकते हैं, मैं इसे इसी तरह लिख दूंगा। एंड इस तरह क्यों लिखते हैं ये जानने के लिए आपको है ना क्लास ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। एंड ये मैंने फैक्टराइजेशन में पढ़ाया था, तो अगर ज़्यादा जाना है तो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब एक ये पेयर बनेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस में एंड इक्वल टू जीरो, एंड एक ये पेयर बनेगा। यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँगा तो एक्स प्लस 50 आ जाएगा, एंड यहाँ से मैं माइनस 25 कॉमन ले लूँगा तो एक्स प्लस 50 आ जाएगा। अब दो टर्म है, एक और एक दो, इसमें एक्स प्लस 50 दोनों में कॉमन है, तो मैं एक्स प्लस 50 ले लूँगा बाहर एंड बचेगा क्या एक्स माइनस 25। अब देखिए अब क्या है ना, दो टर्म को गुना करें तो जीरो आ रहा है, मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये दोनों जीरो होगा। तो हम पहले ये जीरो कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 50 को हम मान लेते हैं जीरो है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस 50। एक्स क्या है स्पीड है, लेकिन स्पीड तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं होगा। अब बच गया क्या एक्स माइनस 25, हमारा जीरो होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 25। तो ये है ना बस का स्पीड कितना हो गया आपका, बस स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, एंड कार का स्पीड क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर वैल्यू डाल के देखिए, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें डालकर देखिए वैल्यू, बस का स्पीड 500 अपॉन 25 एंड ये 500 अपॉन 50। बस को कितना घंटा लगता है, 20 घंटा लगता है एंड कार को 10 घंटा लगता है जब घटाएंगे तो 100 का, जबकि आपके बुक में जो आंसर दे रखा है ये दे रखा है जो कि गलत है। आपका आंसर क्या होगा 25 होगा और 50 होगा, तो आपका रियल आंसर ये होगा, इसलिए ये आंसर गलत दे रखा है, सॉल्यूशन भी बुक में गलत बताया है एंड आपको सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन यही मिलेगा। एंड कैसे हुआ है ये जानने के लिए कैसे मैंने फैक्टराइजेशन की आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, 20 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 54 सेकेंड एंड 34 सेकेंड रेस्पेक्टिवली एंड दे क्रॉसेस इच अदर इन 46 सेकेंड। तो पहला मान लेते हैं एक ट्रेन है, एक आदमी है, ये इसको कवर करता है, एक ट्रेन है ये, इसका लेंथ मान लेते हैं एल है एंड स्पीड x1 है, लेंथ L1, फर्स्ट ट्रेन है ये एंड ये सेकेंड ट्रेन है, इसका लेंथ हो गया L2 एंड स्पीड हो गया x2 एंड ये लगाता है कितना, सिर्फ 54 सेकेंड एंड ये 34 सेकेंड। तो टाइम बराबर क्या होता है, अब मैं फॉर्मूला के साथ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस केस में टाइम क्या हो गया L1 अपॉन x1, L1 अपॉन x1 और इस केस में टाइम क्या हो गया L2 अपॉन x2। टाइम कितना लगा है इससे फर्स्ट ट्रेन को 54 सेकेंड एंड L1 अपॉन x1, तो L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 54 x1 एंड यहाँ पे इसे लगता है 34 सेकेंड लगता है L2 अपॉन x2, तो L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 x2। ओके एंड एक और बात बताया कि एक दूसरे को क्रॉस करने में ना 46 सेकेंड लगता है, तो एक दूसरे ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो टाइम कितना लगता है दोनों का लेंथ, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ और सेकेंड ट्रेन का लेंथ और दोनों का जो स्पीड है वो x1 प्लस x2, और ये टाइम कितना दे रखा है 46। तो L1 का वैल्यू हमें पता है, L1 क्या है 54x1, 54x1 एंड L2 का वैल्यू क्या है 34x2 एंड क्या है x1 प्लस x2, ये क्या हो गया 46। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 46x1 प्लस 46x2 एंड ये क्या हो जाएगा 54x1 प्लस 34x2। x2 को हम इस साइड ले आएंगे एंड x1 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 46x2 माइनस 34x2 एंड ये 54x1 माइनस 46x1, ये बचेगा आपका 12x2
अपॉन इक्वल टू 8x1 एंड पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, स्पीड्स मतलब फर्स्ट ट्रेन का स्पीड अपॉन सेकेंड ट्रेन का स्पीड, x1 अपॉन x2 पूछा है। ओके एंड हमें यहाँ तक एक वैल्यू आ गया है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। तो इस 8 को मैं इस साइड ले आऊँगा एंड इस x2 को इस साइड ले जाऊँगा, तो ये 12 अपॉन 8 एंड ये x1 अपॉन x2, 4 से 8 टू टाइम्स में कटेगा एंड 4 से 8 3 टाइम्स में, मतलब x1 अपॉन x2 क्या हो गया, 3 अपॉन 2, ये हो गया 3:2। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में नहीं आए हो, अगर कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है एंड टीचमेंट का भी एक लिंक दिया होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस चाहिए या फिर जो भी डाउट हो आप वहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।